सो हेलो मेरे भाइयों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो भाइयों, फाइनली 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 हमारा यहाँ पे कॉन्कर हो गया, जो आईडी में मैं गोल्ड से स्टार्ट किया था पुश करना। ठीक है, इसमें देखो यहाँ मैं ना डेली का 6 घंटे भी नहीं खेलता था, डेली के मुश्किल से 2 घंटे 3 घंटे ऐसा खेल लेता था, बस हो गया। और हाँ, 2-3 दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ 5 से 6 घंटे खेलने का, और कल मैंने इसमें पूरा 6 घंटे खेला था, परसों भी पूरा 6 घंटे खेला था। बाकी यार यहाँ पे कैरियर रिजल्ट देखो आप लोग। भाई यार कल ही के दिन यहाँ पे मैंने 3-3 चिकन निकाला है। ठीक है, बाकी यार #2 तो देख ही लो कितने सारे चिकन भी मिस हुए हैं यहाँ पे। और हाँ, एक सर्वर फेज हैकर की वजह से 13 का माइनस भी हुआ था यहाँ पे #69 पे, देख लो। तो दिक्कत की कोई बात है नहीं, फाइनली कॉन्कर हो ही गया। अब यहाँ पे भाई कल सीन हो गया था, ये #29 पे जो मैं मरा हूँ ना, अरे नीचे कहाँ जा रहा हूँ, ऊपर ऊपर, ये #29 पे जो मरा हूँ, 6 का प्लस हुआ है 2 किल के साथ, भाई इसी में मेरा कॉन्करर हो जाता। बट भाई अपार्टमेंट के एक कैंपर ने जो ही अपने को भरा है ना भाई, यार बुरा लग रहा था। उसी मैच में अपना कॉन्कर हो जाता, और भाई यहाँ पे 6 घंटे का लिमिट भी पूरा होने वाला था, तो डर लग रहा था। और यहाँ पे भाई फाइनली फाइनली जो #11 के, नहीं यार क्या कहते हैं, #1 पे 11 किल के साथ चिकन निकाला, तो यहाँ पे 39 का प्लस हुआ, और इसी के साथ अपने साइड में कॉन्कर हो गया। बट यार बुरी बात यह है कि इस मैच को भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया यार, क्या ही बोलूँ भाई, स्टोरेज का झंझट है। और थोड़ा सा सपोर्ट वगैरह करो ताकि मैं भी दूसरा डिवाइस ले लूँ अच्छा खासा, ताकि उसमें ढेर सारा स्टोरेज हो, खूब सारे गेम रिकॉर्ड करूँ, अच्छा अच्छा गेम प्ले दिखाऊँ। खैर कोई ना, बढ़ते हैं सीधा गेम प्ले की तरफ। अब देखो ये वही वाला गेम प्ले है कल वाला, ठीक है, जिसको मैं बोला था काफी इंटेंस सर्वाइवल है, तो देखना लास्ट तक देखना। इसमें मैं किल्स तो ढेर सारे नहीं निकाल पाऊंगा, बट मैं लास्ट के सर्कल में खेलता कैसे हूँ, सर्वाइव कैसे करता हूँ, वो ना बिना स्किप किए पूरा दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसको पूरा देखना। और हाँ, अगर आप देखा करो तो कुछ सीखा भी करो। ठीक है, जैसे इधर पे जैसे ही आता हूँ एक फुटस्टेप आता है। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक बंदा था, तो यहाँ पे रुकने का कोई मतलब है नहीं, फटाफट इधर पे आ जाते हैं। और ये वाला घर खाली था। और हाँ, अगर अभी के टाइम पे जिस टाइम पे मैं एंट्री किया हूँ, जैसे डेथ सर्कल बनता है वैसे ही जोन में एंट्री करोगे ना, तो भाई मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंपाउंड्स आपको खाली मिल जाएंगे, तो आराम से आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, जैसे ही घर में आते हो ना, तो ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं अपार्टमेंट्स में यही गलती किया यार, जैसे ही घर में गया मतलब अपार्टमेंट्स में गया, ऊपर चला गया, ऊपर जाने की गलती नहीं करना था, नहीं तो भाई उसमें मेरा अच्छा खासा प्लस मिल जाता। ठीक है, देखो यहीं पे होल्ड करते हैं। भाई ऊपर जाने की भी गलती मत किया करो, यहाँ पे क्या पता है दूर से कोई बंदा नेट करे, तो बंदा ऊपर ही नेट करेगा। खैर यार यहाँ पे एक किल मिस हो गया अपने से, तो नीचे ही होल्ड किया करो, क्योंकि भाई कोई बंदा नेट करेगा तो ऊपर ही करता है। देखो यहाँ पे भाई मेरे पास एक ही नेट था जो कि गलती से मिस हो गया यार। खैर भाई यहाँ पे ना अपनी थोड़ी सी फट भी रही थी, कहीं ये बंदा अपने पे पुश ना कर दे, जिसके चक्कर में इस बंदे को यार मारता भी नहीं, यहाँ से इजीली निकल जाता। यार इसको भी अच्छा खासा डैमेज दिया, लेकिन बच के निकल गया। खैर कोई बात नहीं। अब देखो जब तक आपके पास पोजीशन है, जब तक आपके पास जोन है, तब तक सरवाइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आपके पास पोजीशन नहीं होगा और भाई जोन जो है थोड़ा सा ओपन का रहेगा, फिर सरवाइव कैसे करना है। और भाई यहाँ पे ये रोबोट का तो क्या ही बताएं, अपने पास एमओ की कमी थी, नहीं तो इसको फोड़ ही देता भाई, उसको कितना परेशान कर रहा है। और यार इस सिचुएशन में ना मेरे को M416 की याद आ गई, एजी किल था मेरे लिए। खैर कोई ना, अभी के लिए देख लो जोन जो है अपने से ज़्यादा दूरी पे जा चुका था, श्रिंक हो चुका था। अब यहाँ पे आप लोग किया करो, जब तक आप जोन में हो, जब तक जोन पूरा श्रिंक नहीं हो जाता, आपको एकदम से क्लियर ना हो जाए कि भाई मेरे पीछे अब कोई भी बंदा नहीं है, मैं आराम से जोन में जा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख लो सारे बंदे जोन में एंट्री कर गए, फिर मैं जोन में एंट्री करता हूँ। अब इससे एक बात क्लियर ये रहेगा कि पीछे से कोई बंदा आपको ना धब्बा नहीं करेगा, जोन के बाहर से भाई कभी कभी बंदे मार देते हैं। अब मुझे पता था जोन के बाहर कोई बंदा है नहीं, तो भाई शांति से यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं। देख लो आराम से दीज का कवर मिल गया मेरे को, चलो इसको भी हल्का बहुत डैमेज किया। और हाँ स्प्रे लिया करो, ठीक है, सारे बंदों पे स्प्रे लिया करो, बट भाई कहीं ओपन में मत जाया करो। जैसे देख लो यहाँ पे मैं कुछ ज्यादा एक्सपोज हो रहा हूँ आगे आगे, तो यहाँ पे अगर कोई बंदा मेरे को स्पॉट कर लेता ना, तो क्या पता उसका स्प्रे अच्छा रहता, तो भाई टकला जाके अपने को फिनिश भी कर सकता था। अब देख लो #12 पे हूँ, फिर भी आगे जा रहा हूँ बार बार, तो नहीं जाना था, शांति से ही पे लेटना था। ठीक है, और आप भी लेट जाया करो, जब तक आपका टॉप 10 नहीं हो जाए तब तक आप कोई भी खुराफाती करो ही मत, कोई रिस्क लो ही मत। ठीक है,
और हाँ सारे बंदों से निपट लूंगा, बट भाई ये दो बोर्ड से नहीं निपट पाऊंगा। अब जब तक आपका टॉप टर्न वगैरह नहीं हो जाता ना, ये मैं हर एक गेम प्ले में दिखाता हूँ कि भाई आपको अपनी बग्गी ऐसे घुमाती रहनी है, और अगर ओपन में कहीं कोई बंदा दिखे तो भाई स्प्रे मत लिया करो जब तक आपको एकदम से कंफर्म ना हो कि कहीं से कोई बंदा आपको थर्ड पार्टी में फिनिश ना कर सके, ठीक है। जैसे यहाँ पे सीन देख लो, उस वाले बंदे पे स्प्रे नहीं किया, बट यहाँ पे सामने दूसरा बंदा रहता है, पीछे जोन का कवर रहता है, यहाँ पे आराम से मैं रुक के मार सकता हूँ। और भाई ये बंदा भी यार थोड़ा सा चालाक रहता है, रुक के स्प्रे करने लगा। खैर कोई ना भैया जी को फिनिश कर लेते हैं। फाइनली यहाँ पे हमारा खाता खुल गया, 3 किल हो गए, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में देख लो, आपको ना बैंडेज भी यार कम से कम 20-25 तो रखने पड़ेंगे, लास्ट के सर्कल में बहुत ही ज़्यादा काम आता है, देख लो इस सिचुएशन में। और हाँ, अगर किसी के ऊपर स्प्रे ले रहे हो तो भाई थर्ड पार्टी का हमेशा ख्याल रखा करो। आप एक बंदे पे स्प्रे लोगे तो भाई हमेशा दूसरे तीसरे बंदे का ध्यान ना आप पे रहता ही रहता है। तो भाई ये सारी बातें ध्यान रखना, बाकी यार ये वाला रोबोट अपने को परेशान करने लगता है, अपने बग्गी को एकदम से यार डैमेज ही कर दिया। देख लो ये देखो इनकी क्या ही बताऊँ मैं। भाई बग्गी की एचपी देख लो, अगर ये बंदा अपने को स्प्रे भी करता अंधी तरीके से ना, फिर भी यहाँ पे फिनिश कर लेता, बट करता नहीं। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इस कंपाउंड में ठोकने के अलावा, स्क्वाड हाउस में ठोकने के अलावा, तो आता हूँ यहाँ पे। अब देख लो बाहर कोई बंदा नहीं रहता, यहाँ पे मेरे को अच्छा खासा कवर मिल रहा था, और मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो स्क्वाड हाउस में बंदा है ना, ये भाई पुश करेगा नहीं। और भाई आगे जो टीन का एक छोटा सा दीवार साइड है, वहाँ पे भी एक बंदा था, तो यहाँ पे शांति से मेरे को चारों तरफ से कवर मिल रहा था, तो यहीं पे बैठते हैं। और यहाँ पे पेटी रहती है, पेटी में मेरे को M4 मिल जाता है, ढेर सारी गोलियाँ मिल जाती है, तो इसका मतलब ये कि भाई अब मैं जो है रोबोट वाले की ना एकदम से नानी याद दिला सकता हूँ। तो देखो उसको कैसे फोड़ूंगा। चलो इसके बाद मैं ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं करूँगा, ठीक है। तो आप बस देखो मैं सर्वाइव कैसे करता हूँ, और लास्ट में देख लेना प्लस भी कितना मिलता है, ठीक है। और स्किप मत करना, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा ऐसे समझा के बताऊँगा, तो उसमें यार थोड़ा सा आपका दिमाग इधर उधर हो जाएगा। आप बस देखो मैं सर्वाइव कैसे करता हूँ, कब कहाँ पर क्या सिचुएशन में क्या लेता हूँ, ठीक है। मतलब भाई क्या करता हूँ, बस देखो आप। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।